हाय स्टूडेंट्स, आज अपन जो कल पढ़ा था उससे आगे उसी लेसन में कंटिन्यू चलेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं जितना पढ़ना है उसके हार्ड मीनिंग्स की जो मीनिंग है वो कौन कौन से क्या रहेंगे। जैसे पेट विकसित मर्मड, मर्मड मीन्स होता है बड़बड़ाना या कुछ फसाना। हीटेड ध्यान दिया। गार्डन मीन्स होती है माला, यानी कि जो फूलों की माला होती है वो। सिंड दिखाई दिया। इरिस्टेबली ग्राउंड एफेक्ट तेरे होते हैं, अपन की होता है खिंचाव। हिट हिट होता है ढेर। सिलिकन 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 क्या होता है, सिलिकन होता है रेसिन। ओवरवेलमिंग अत्यधिक तीव्र। प्रोसेस्ड प्रोसेस्ड मीन्स होता है आगे बढ़ गया। स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट मीन्स ठीक। रोल्ड डाउन नीचे नीचे लुढ़कना। डायरेक्शंस डायरेक्शंस मीन्स होती है दिशाएं। टर्बल शाखा या पगड़ी। मडी मीन्स होता है गंदा। रेज रोल। डिफेटेड डिफेटेड मीन्स हारा हुआ। सरप्रेस गवर्नमेंट सोच यानी कि सिस्किया। फिल्मी तो यहाँ पर फिल्मी का मतलब है धुंधली। फ्लश फेस में होता है गर्म लाल चेहरा। स्नेक चार्मर में होता है सपेरा। तो ये अपन जो पढ़ने वाले हैं उसके हार्ड मीनिंग है। अब अपन क्या शुरू करेंगे, अपना जो कल से जो लेसन था उससे आगे शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब अपन अपना लेसन शुरू करते हैं। As they neared the village, जब वे गांव के नजदीक पहुंचे, the child could see many other footpath full of throng, तो बच्चा बहुत सारी पगडंडी तो बालक ने कई दूसरी पगडंडियां देखी जो व्यक्तियों से भरी हुई थी। Covering the whirlpool, the fair and felt at once जो मेले में भंवर में केंद्रित हो रहे थे। एंड फेल्ट एट वंस रिप्लाइड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजिंग ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, जिस अव्यवस्था के संसार में वह अब प्रवेश कर रहा था वह उसकी ओर आकर्षित और विकर्षित हो रहा था। ए स्वीट मेट सेलर हवेक्ड गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ एंट्रेंस, प्रवेश द्वार के कोने पर क्या ए स्वीट मेटर सेलर हवेक्ड एक मिठाई बेचने वाला आवाज लगा रहा था क्या, गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ एंट्रेंस की, कॉर्नर जो अपना एंट्रेंस है प्रवेश द्वार के कोने पर क्या है? प्रवेश द्वार के कॉर्नर पर एक मिठाई वाला आवाज लगा रहा था गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी। एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और उसकी दुकान पर सोने चांदी के वर्कों से सज्जित अनेक रंगों की मिठाइयों के लिए बनी संरचना के निचले भाग पर बने काउंटर के चारों ओर भीड़ का दबाव था। द चाइल्ड स्टेड ओपन आईज आइट एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर बर्फी दैट ही वॉज फेवरेट स्वीट। द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आइड, बालक ने ललचाई आंखों से देखा। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर बर्फी,
और उसके मुंह में बर्फी के लिए पानी आ गया। That was his favorite sweet। वह उसकी पसंदीदा या मनपसंद मिठाई थी। I want that बर्फी। मुझे वह बर्फी चाहिए। He slowly murmured। वह धीरे से बड़बड़ाया या फुसफुसाया। Murmured means बड़बड़ाना या फुसफुसाना। But he half knew। लेकिन वह इतना जानता ही था। As he begged that his pal would not be headed because his parent would say he was a greedy। उसके निवेदन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। क्यों ध्यान नहीं दिया जाएगा? बिकॉज हिज पेरेंट वुड से उसके माता पिता कहेंगे ही वॉज ग्रेडी वह लालची था। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए ही मूव्ड ऑन वह कहा चला गया वह आगे बढ़ गया। ए फ्लावर सेलर हावेप्ड फूल बेचने वाले ने आवाज लगाई। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोर गुलमोर की एक माला। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोर गुलमोर की एक माला। द चाइल्ड सीम्ड इरिटेटिवली डाउन उन फूलों से वह अधिक आकर्षित हो गया। He wants towards the basket where the flower lay heaped and half murmured। वह फूलों की तरफ बहुत अधिक आकर्षित हो गया और फिर क्या किया उसने? He went towards the basket। वह टोकरी की तरफ गया। Where the flower lay heaped and half murmured। जहाँ फूलों के एक ढेर में पड़े जहाँ फूलों का एक ढेर पड़ा था और वह हल्के से फुसफुसाया। I want that grand land। मुझे वह माला चाहिए। But he well know his parent would refuse by him। किंतु वह अच्छे तरीके से जानता था कि उसके माता पिता इसे खरीदने के लिए इनकार कर देंगे। Those flower because they would say they were cheap। तो क्या है those flower कि उसके माता पिता उन फूलों को खरीदने के लिए मना कर देंगे। Because क्योंकि they would say वे कहेंगे। They were cheap। वे सस्ते हैं या वे साधारण हैं। So without waiting for an answer, वह बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए he moved on, वह आगे बढ़ गया। A man stood holding pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it। एक आदमी बांस लिए हुए खड़ा था। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल एक आदमी एक डंडा लिए हुए खड़ा था या बांस लिए हुए खड़ा था। विद उसके साथ क्या थे? येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल ब्लूम्स जिस पर से पीले लाल हरे बैंगनी ब्लूम्स फ्लाई फ्रॉम इट उसके ऊपर से उड़ रहे थे। कि एक आदमी बांस का डंडा लिए हुए खड़ा था उसके ऊपर से किस्म से येलो पीले लाल हरे बैंगनी बलून्स उस पर से उड़ रहे थे। द चाइल्ड वाज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लेरी ऑफ द सिल्कन कलर एंड ही वाज फिल्ड एन ओवरवेलिंग डिजायर टू possess them all। The child simply carry away the rainbow glory silken
कलर्ड। बच्चा स्वाभाविक रूप से उनमें रेशमी रंगों के इंद्रधनुषी छटा से अत्यधिक प्रभावित हो गया। He was filled with an overwhelming desire for them all, और वह उन सबको पाने के लिए पाने की अत्यधिक इच्छा से भर गया। But he well knew, किंतु अच्छे से जानता था, his parents would never buy him, कि उसके माता पिता उसको कभी खरीद कर नहीं देंगे। The balloons, उनको ये वह अच्छे तरीके से जानता था कि उसके माता पिता ये गुब्बारे उसको खरीद कर नहीं देंगे। क्योंकि they would say he was too old to play with such toys, क्योंकि वे कहेंगे कि वह उनसे खेलने की आयु से बहुत बड़ा था। क्या कहेंगे? क्योंकि वह उनसे खेलने की आयु में बहुत बड़ा था। So he walked on further, इसलिए वह पैदल आगे चल दिया। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. कह ए स्नेक शर्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट। टू स्नेक विच कोल्ड इटसेल्फ बास्केट, एक सपेरा खड़ा हुआ जो टोकरी में कुंडली बनाए बनाकर बैठे हुए सांप को अपनी बांसुरी सुना रहा था। इट हैड Its head rise and graceful bend like a neck of a swan. हंस की गर्दन की तरह उसका सिर सुंदर मोड़ लिए हुए खड़ा हुआ। मीन्स सांप ने अपना फन खड़ा कर रखा था। सांप ने अपना फन खड़ा की सांप अपना फन खड़ा किए हुए था। We held the music stall into the invisual ears like the gentle rippling and invisible waterfall. We held the music stall into invisual ear like the gentle rippling of an invisible waterfall. बीन का संगीत पानी की झरनों की लहरों की भांति धीरे धीरे उसके अदृश्य तरंगों से कानों में जा रहा था। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बालक उस सपेरे की ओर गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स, किंतु अपने माता पिता को जानता था, हैड फॉरबिडन टू हियर, उसके माता पिता उसे सुनने के लिए मना करेंगे। सच कोर्स म्यूजिक, इस बद्दे संगीत को सुन उसके माता पिता इस बद्दे म्यूजिक को सुनने के लिए मना करेंगे। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जो कि सपेरा बजा रहा था, ही प्रोसेस्ड फर्दर, और वह आगे बढ़ गया। एज देर वॉज रन अबाउट ऑफ फुल स्विंग, वहां एक चक्रीदार झूला तेजी से घूम रहा था। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन वेलिंग मोशन, श्रीकेट एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, पुरुष
स्त्री और बच्चे भौरीय गति से घूमने लगे और वे चक्राकार हंसी से चीखने चिल्लाने लगे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट। बालक ने ललचाई आंखों से उनको देखा, फिर साहसिक प्रार्थना की, आई वॉन्ट टू गो ऑन राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर, मैं भी इस चक्री वाले झूले में झूलना चाहता हूँ, कृपया माता पिताजी। देर वॉज नो रिप्लाई, कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता को देखने वापस लौटा। क्या देर वॉज नो रिप्लाई, कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता को देखने के लिए वापस मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वे वहां पर नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसने पीछे देखा। दे वर नॉट देयर, वे वहां पर नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उनका कोई भी नामो निशान नहीं था। कहता है अब इस मेरी गो राउंड पे उसने जब प्रार्थना की, तो जैसे उसने उत्तर प्राप्त करना चाहा, तो उसने पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था और उनका कोई नामो निशान नहीं था। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन ड्राई थ्रोट, और उसके सूखे हुए गले से एक तेज चीख निकली। विथ ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और उसके शरीर में अचानक एक झटका लगा। ही रन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वह जहां पर खड़ा था वहां से दौड़ा। क्राइंग इन रियल फियर, और वास्तव में डर से चिल्लाने लगा। क्या मदर फादर, माता पिता। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज हॉट एंड फेयर्स, उसके गालों पर आंसू बहने लगे जो गर्म थे। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कलवेस्ट विथ फियर, डर के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया। पैनिक स्ट्रिकन, ही रन टू वन साइड, डर के कारण ही रन वन साइड, एक तरफ दौड़ा। देन टू अदर हाइदर देयर इन डायरेक्शन, और दूसरी तरफ वह इधर उधर अन्य दिशाओं में दौड़ा। नोइंग नॉट वेयर टू गो, वह नहीं जानता था कि उसे कहाँ जाना है। मदर फादर ही वेल्ड, माता पिता, वह चिल्लाया। हिज येलो ट्रबल केम एंड टेल्ड, और उसकी पीली पगड़ी खुल गई। एंड हिज क्लोथ बिकम मडी, और उसके कपड़े गंदे हो गए। Having run to and fro in race of running, for we while stood defeated. थोड़ी देर इधर उधर तेजी से दौड़ने के बाद, he stood defeated, वह हार कर खड़ा हो गया। His cry suppressed into sobs, उसकी चिल्लाहट
सुर्खियों में बदल गई। ए लिटिल डिस्टेंस ऑन ग्रीन ग्रास ही कुड सी, थोड़ी ही दूरी पर वह हरे घास को देख सकता था। थॉट हिज फिल्मी आई, अपनी धुंधली आंखों थोड़ी दूर पर क्या है वह हरी घास को देख सकता था। थॉट हिज फिल्मी आई, मैन एंड वुमेन टॉकिंग, और अपनी धुंधली आंखों से पुरुष और महिलाओं को बात करते हुए देखा। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पेजेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ, उसने चमकीले पीले वस्त्र पहने हुए जोड़ों को बहुत ध्यान से देखने का प्रयास किया। बट देर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, किंतु उनके माता पिता का कोई नामो निशान नहीं था। अमंग दीज पीपल, उन लोगों के बीच, किंतु उन लोगों के बीच उसके माता पिता का कोई नामो निशान नहीं था। हु सीम्ड टू लाफ, ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग हंसने के लिए, एंड टॉक जस्ट फॉर सेक फॉर लाफ, और केवल हंसने के लिए बात कर रहे थे, एवं बात एंड टॉकिंग और बात कर रहे थे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।